आइए मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूँ अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों से और ख़ास तौर से मैं देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि जो 9 अप्रैल जो 14 शाबान है, जिस दिन हम लोग सब कब्रिस्तानों पे और दरगाहों पर जाकर फातिहा और दुरूद पेश करते हैं, मैं आप सब से कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों कि हम लोग उस दिन जो भी फातिहा और दुरूद और जो इबादतें हमको करनी है वो हम अपने घरों पर ही करें, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया हुआ है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा हुआ है, हम लोगों के टच में और संपर्क में नहीं आए, इसी से हमारी हिफाजत हो सकती है। मेरे 9 अप्रैल को 7:30 बजे हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे मुल्क से इस कोरोना नाम की जो बीमारी, ये जो वबा, ये जो मुसीबत परेशानी हम सब पे आई है, इससे हम सब की हिफाजत हो सके। आप याद रखिएगा 7:30 बजे 9 अप्रैल 14 शाबान को हम सब दुआएं और प्रार्थना करेंगे ताकि इस कोरोना की बीमारी से हम लोग सब इससे निजात पा सकें, इसको हरा सकें और हमारे भारत को और पूरे विश्व को इस बीमारी से हम लोग बचा सकें।